चलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट, और काफी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसको करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अभी सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्या लिया था कि भाई ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू ए आर, सी इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर एंड डी इक्वल्स टू ए आर क्यूब। तो इसका आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 29 का फर्स्ट पार्ट, तो आपको ये इजी लगेगा, है ना। बस अब आप क्या करो, जहां यहाँ पे ए है, जहां यहाँ पे बी है, सी है, डी है, वहां पे वैल्यू पुट करो, और आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड मुझे राइट हैंड साइड के बराबर में लेकर आना है। तो देख लीजिए, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा देता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे लगा देता हूँ डी माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अब मैं इसको पूरा का पूरा एज इट इज लिखता हूँ, तो ये जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू डी पी, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। अब क्या करते हैं, देखिए, जहां जहां जो जो मेरे को गिवन है, ए के ए, बी को मैं लिख सकता हूँ ए आर, सी को लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर, और डी को लिख सकता हूँ ए आर क्यूब। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो बी की जगह पे मैं लिखता हूँ ए आर का होल स्क्वायर, देखिए, सी की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू, बी की जगह लिखता हूँ मैं ए आर, और सी की जगह लिखता हूँ ए आर स्क्वायर, ठीक है। बस मुझे अब ऐसे ही वैल्यू इस पे पुट करते रहनी है, ठीक है। प्लस सी के जगह मैं क्या लिखता हूँ, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा ए आर क्यूब का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस टू इंटू ए आर क्यूब इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर, है ना, ए आर। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे ये पूरा सॉल्व कर लिया, ये पूरा का पूरा। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो मैं इस पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। ये पूरा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस टू ए स्क्वायर आर की पावर 3 ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर आर की पावर 4। तो देखिए, जो जो कट रहा है वो मैं यहां से काट सकता हूं क्या, देखिए, यहां पर देखो, यहां पे जो जो कट रहा है, देखो, मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं। देखो, एक ये है, एक ये है, सिमिलर सिमिलर देख रहे हो, और एक ये पूरा का पूरा कट सकता है कि नहीं कट सकता, देखो, ये प्लस प्लस ये टू हो जाएगा, और ये देखो पूरा एज इट इज है। तो
तो देखो मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ, एक ये कट गया, एक ये कट गया, इससे इन दोनों से पूरा ये कट गया। और कुछ कट रहा है देखिए, और कुछ कट रहा है। देखो देखो ये भी कट रहा है, देखो देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये भी पूरा कट गया है ना। देखो हमने इसको भी काट दिया यहाँ पर, ये भी कट गया देखो, ठीक है ब्लैक ले लेता हूँ, ये कट गया देखो इससे, ये भी और ये भी, ये पूरा कट गया। क्या बचा? जो बचा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जो बचा है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पे बचा क्या, ए स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर आर की पावर 3। इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2 ए स्क्वायर आर की पावर 3। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखें, तो देखिए मैं इसके जगह लिख सकता हूँ यहाँ पे ए माइनस आर का क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 माइनस 2 ए स्क्वायर आर की पावर 3। देखो यही बन गया ना ये पूरा, देख रहे हो। तो मैं इस पूरे के जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो देखिए मैं इसको लिख देता हूँ ए माइनस आर का क्यूब का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक सिंपल है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड मेरे पे क्या है, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आने वाला है, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 ए डी, ठीक है। ए को तो मैं ए स्क्वायर ही लिखूंगा, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी के जगह मैं क्या लिख सकता था, देखिए ए आर क्यूब है ना, तो मैं लिखता हूँ ए आर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू डी के जगह से लिख सकता हूँ ए आर क्यूब, राइट। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2 ए स्क्वायर आर की पावर 3। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड जैसा आ गया कि नहीं आ गया, देख लो, देख लीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही है, देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूफ। तो देखिए कितना इजी है ये हमारा, है ना। वैसे तो अब हम नेक्स्ट करते हैं।